सो फाइनली हनुमान थिएटर में रिलीज हो चुका है, जो कि एक फिक्शनल मूवी है। एक ऐसा मूवी जो सुपर हीरो कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ये अपने आप में एक यूनिक चीज है। इस मूवी को देखने के बाद पब्लिक का रिएक्शन काफी अलग है, मतलब टोटली अनएक्सपेक्टेड। भाई ये था क्या? हनुमान प्रशांत वर्मा सिनेमेटिक यूनिवर्स की फर्स्ट मूवी है जिसमें मल्टीपल मूवी फीचर है। अब वो मूवी कौन सी है वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। इस मूवी को देखने के बाद पब्लिक सिर्फ एक चीज बोल रही है, कांग्रेस हटाओ, देश बचाओ। सॉरी। कुछ ऐसे ऐसे सीन जिसे देख सुन के आपको मजा तो आएगा, लेकिन ऑडियंस के अनुसार मूवी का कुछ हिस्सा बोरिंग है और वहीं कुछ हिस्सा फुल चार्जेबल एंड गूसबम वाली वाइब देती है। वहीं दूसरी तरफ एक्टरों का एक्टर परफॉर्मेंस और विलन का रोल जान डाल देती है भाई, खास करके इसका BGM कानफोड़ और चार्जेबल। देखो कहानी सिंपल है और मल्टीपल चीजों को रिवील करते हुए नजर आती है। जिस हिसाब से साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक साथ नजर आती है वो वाकई नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है। लेकिन विजुअल और VFX थोड़ा सा अजीब है, मतलब नॉर्मल है। हो सकता है एक चीज इसके लिए प्रॉब्लम बन जाए, लेकिन इस मूवी को ऑडियंस पॉजिटिव वे से लेना चाहती है। स्क्रीन प्ले इंगेजिंग है और सही लेवल की वाइब देती है, बट ये मूवी में बेशक कुछ खामियां हैं जो कि नजरअंदाज नहीं की जा सकती है। एक चीज बताऊं, क्या इस मूवी में हमें हनुमान जी देखने को मिले हैं? बिग क्वेश्चन। सो अब आने वाले समय ही बताएगा कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस में झंडा गाड़ेगी या नहीं। सो ऑल ओवर मूवी सही लेवल की वाइब दे रही है, जहाँ पे किसी के भावनाओं को तो आहत नहीं करती ये मूवी, जिस हिसाब से आदि पुरुष ने कर दिया था। सच्ची बात तो ये है कि इस मूवी का एक्शन सीक्वेंस तो काफी बवाल है, लेकिन VFX का करिश्मा थोड़ा सा फीका जरूर दिखता है, जिसका कारण कुछ लोचा हो सकता है। भाई साहब इमोशन बिग रोल प्ले करते हुए नजर आती है, जो ऑडियंस के माइंडसेट में छाप छोड़ जाती है। अगर कुछ चीजों को इग्नोर कर दिया जाए तो ये मूवी बॉक्स ऑफिस में झंडा गाड़ देगी। सो ऑल ओवर मूवी सही है, तो भाई लोग मेरे ख्याल से ये मूवी सही लेवल की वाइब देने वाली है। इस वीडियो को ऑडियंस के एक्शन इमोशन रिएक्शन और उनके हाव भाव को एनालाइज करके बनाया गया है, मतलब ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेड रिव्यू है जो कि रियल है। सो होप गाइस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले, और जल्दी इसका ओरिजिनल रिव्यू आपको इस चैनल में देखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। शुक्रिया।